अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक के साथ डिस्कस करने आई हूँ, कुछ चीज़ें अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा टॉपिक है सोर्स ऑफ नॉलेज। इल्म हमें कहाँ से हासिल होता है, कैसे हासिल होता है, इसकी जो हेडिंग्स हैं टॉपिक्स की वो ये हैं: परसेप्शन, इंट्रोस्पेक्शन, रीजंस और टेस्टिमनी। अब ये मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर वो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह होता है। उसके अंदर कोई इनबिल्ड या नेचर ने कोई चीज़ें ऐसी नहीं भेजी होती जो उसके साथ होती हैं। उसने सारी चीज़ें, ज़बान, उसने जो चीज़ें भी सीखनी है, लैंग्वेज सीखनी है, जो बिलीफ सिस्टम सीखना है, रस्म व रिवाज सीखना है, जो वैल्यूज़ सीखनी है, वो उसने आके अपने माशरे से सीखनी है। सबसे इमीडिएट उसके गिर्द जो है ना, वो एक हमारा पूरा एक सिस्टम है, उसको एक एग्जो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, एग्जो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम, तीन किस्म के सिस्टम होते हैं। अब इनके अंदर भी डिटेल है। माइक्रो सिस्टम में उसकी फैमिली, उसके अगर ग्रैंड पेरेंट्स, नानी नाना, दादी दादा साथ रहते हैं तो वो उसमें शामिल होते हैं। अब एग्जो सिस्टम में स्कूल आ जाता है, मीडिया आ जाता है, ये चीज़ें। और मैक्रो सिस्टम में जो पेरेंट्स के जॉब है उनके थ्रू वो इन्वॉल्व होते हैं, वो भी इफ़ेक्ट बच्चे पे करता है। पेरेंट्स की जो ड्यूटीज़ हैं, जो कंट्री है वो, ये सारी चीज़ें, जो पूरा मुल्क है पूरा, ये चीज़ें सारी बच्चे पे इफ़ेक्ट करती हैं। अब ये बच्चे का एक बनता है जो शुरू से वो सीखता है, तो उसके अंदर एक, उसको कहते हैं स्केमेटा, उसका एक जो अंदर एक खाना बनता है, जिसको जो नॉलेज का प्याला बोल दें, वो खाना उसका शुरू से जैसा बन जाता है वो वैसा ही रहता। अब वो उसी को बढ़ाता है, हमारा दिमाग ऐसा है, उसी को उसमें वो चीज़ें एकोमोडेट करता है और असिमिलेट करता है, एकोमोडेट बढ़ाता है और खींचता है, स्ट्रेच करता और बड़ा करके सारा नॉलेज उसी में जाता। अब उसने जो भी बचपन में जो चीज़ें सीखी, उसकी परसेप्शन बनी, तो वो सारी चीज़ें उसमें जाती हैं। अब हमारी परसेप्शन चीज़ों के पत्थर बनती है। अगर हमें या बच्चे को जिस तरह का हम ट्रीट करेंगे तो बच्चे के अंदर वही चीज़ जाएगी, उसकी एक परसेप्शन बन जाएगी। अब सपोज उसने अपने घर में किसी को प्यार से बात करते हुए देखा, तो उसकी परसेप्शन प्यार से बात करना और चीज़ों को डील करने की होगी। उसकी परसेप्शन अगर घर में उसने देखा कि बात गुस्से से मनवाई जाती है, ऊंची आवाज़ करके मनवाई जाती है, तो उसकी परसेप्शन ऐसी बन गई, फिर वो जब खुद बात मनवाएगा तो ऐसे ही मनवाएगा। इंट्रोस्पेक्शन है कि उसके अंदर का जो नॉलेज है ना, वो उसको उसी के साथ मिला के तो वो खुद को जज करता है और दूसरों को जज करता है। रीजनिंग होती है कि उसको डिटेक्ट करना, कि उसको लॉजिक के तहत नॉलेज को यूज़ करना। फिर टेस्टिमनी होती है, जो दूसरे बयान करते हैं, जो बताते हैं, तो वहाँ से हमें इलम मिलता है। इंट्रोस्पेक्शन होता है खुद जो हम देखते हैं चीज़ों को, वो करते हैं। अब जो नॉलेज है, ये अगर हमने बच्चे को एक प्रॉपर वे से ना पहुँचाया, या हमें पेरेंटिंग स्किल नहीं आती, तो फिर ज़ाहिर है फिर बच्चों को हम वो चीज़ें नहीं सिखा सकते जो एक प्रॉपर और एक पॉजिटिव पेरेंटिंग होती है। तो इसी वजह से फिर ज़ाहिर हर बंदे के साथ इश्यूज होते हैं कि उसने जो सीखा, जो माशरे से लिया, तो उसको उसने उसी तरह लिया। अब जब बंदा बड़ा होता है तो उसको, इंसान को चाहिए कि हर लम्हे सीखते रहना चाहिए और ख़ुद को भी चेंज करते रहना चाहिए। अगर हमें, हमारे सोसाइटी ने, हमारे फैमिली ने हमें कुछ ऐसी बिलीव, फॉल्स बिलीव दे दी हैं, तो हमें जो सही लगते हैं बाद में, जो हमारे इस्लामिक चीज़ें, हमें उनको चेंज करना चाहिए। और चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, और सबसे पहले अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तभी चेंज होंगे, और चेंज इंसान हो सकता है। तो चेंज होने के लिए अगेन फिर नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज हमें जहाँ से भी मिले, इलम हमें जहाँ से भी मिले, हमें इलम लेना चाहिए। हमें जब तक हमें खौफ, फियर्स होते हैं, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन, टेंशन, सब चीज़ें हमें खौफ की वजह से होती है। अब हम, और खौफ क्यों होता है, वो नॉलेज नहीं होता। अब इसकी मिसाल मैं एक दूँ कि जब कभी अपने अंधेरे में हूँ तो कोई चीज़ नज़र आए तो फ़ौरन बंदा डर जाता है, वो एकदम से अफ्रेड हो जाएगा कि ये क्या चीज़ मैंने देखी, कोई चीज़ है वहाँ। जब वो वहाँ जाके देखेगा, उसको नॉलेज हो जाएगा,
तो जब नॉलेज हो जाएगा तो वो उसका मतलब है उसका खौफ ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सारे अपने अंदर के इफलास, अपनी अंदर की वीकनेस को ख़त्म करने के लिए नॉलेज ज़रूरी है। तो हमें सबसे हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम जो नॉलेज लें तो वो हमारे अंदर के जो वीकनेस है, हमारे अंदर की जो कमज़ोरियाँ हैं, वो इलम से ख़त्म होंगी। इसलिए इलम रोशनी है, और इलम के लिए तो एक हदीस भी है कि अगर आपको इलम हासिल करना पड़े तो चीन जाओ। तो उस दौर में तो ज़ाहिर है चीन ऐसा था, कहीं मूल सफ़र करके चीन के कंट्री में जाना पड़ता था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये, इसके लिए कोई एज नहीं होती, इसके लिए कोई उम्र नहीं होती, इसके लिए कोई वक्त नहीं होता। हमें हर लम्हे ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जो हमारे नॉलेज में इजाफा करें, जो हमें हमारे इलम को बढ़ाएं, और फिर उस इलम को हम यूज़ करके तो हम अपने अंदर की कमियों को कम करें, ख़त्म करें। और जो चीज़ें हमें सही लगती हैं, हमारे दीन ने, हमारे मज़हब ने हमें अलाउ की हैं या बताई हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि ज़्यादातर इलम तो इस तरह से भी आया गया है कि मेरी, जैसे कोई एक औरत है वो दो अंडियों में बनाती है वो मुर्गी, उसने पूछा कि, किसी ने पूछा कि ये अंडी आप ऐसे क्यों बनाती हैं दो में एक मुर्गी को, तो वो उसने कहा मेरी नानी ऐसे बनाती थी। तो वो पूछा, उससे आगे पूछा गया, उससे अब पूछा गया, तो जब वहाँ तक बात पहुँची तो पता चला कि उनके पास देगची ही छोटी थी, इसलिए दो में पकाते थे। तो ये चीज़ है कि हमें जब तक नॉलेज नहीं होगा तो वो किसी ने किस टाइम कैसे काम किया, हम तो फिर अंधे बहरे होके ही वो काम करते जाएंगे, हम अपनी सेंस नहीं यूज़ करेंगे। तो इसलिए इलम हासिल करना बहुत ज़रूरी है और नॉलेज को लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबको चाहिए कि जहाँ से भी, जिससे भी मिले, तो हमें कुछ ना कुछ नॉलेज लेना चाहिए। तो आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे, मैंने कुछ ज़्यादा लंबी कर दी है। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ नेक्स्ट ऑडियो में मुलाकात होगी।